आप सभी का बहुत स्वागत। मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूं। आप देख रहे हैं नक्षत्र। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से परेशान है और उन सभी समस्याओं में ग्रहों की भूमिका बेहद अहम होती है, जिनको ज्योतिष के बहुत छोटे से उपाय करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। मगर ऐसे उपाय किसी ज्योतिष गुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव ही नहीं है। अगर आप सोचें कि किताब पढ़कर इसे हल निकाल लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपकी इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम हाजिर हैं कार्यक्रम नक्षत्र के साथ। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आज का पंचांग क्या है, क्या कहता है आज का पंचांग, दैनिक राशिफल में आपकी राशि क्या कह रही है और क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी बताएंगे। और आपकी कॉल्स के जरिए आचार्य जी आपकी सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। एक खास बात यह भी है कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, टाइम भी नहीं पता है, तो आप सोच रहे होंगे कि आप कुंडली कैसे जानेंगे, लेकिन आचार्य राजीव शुक्ला आपकी एक आवाज से आपकी कुंडली जान लेते हैं कि आपको समस्या क्या है और कैसे वो दूर होगी। और बकायदा टाइम पीरियड आपको देते हैं, वो कहते हैं कि 7 हफ्ते 36 हफ्ते एक टाइम पीरियड देते हैं और उसमें आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाती है। तो आपकी आवाज की दरकार है, कॉल कीजिए और हमसे बातचीत कीजिए। बहरहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राजीव शुक्ला जी। आचार्य जी बहुत स्वागत कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इस कार्यक्रम नक्षत्र में आए। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को प्रणाम। प्रादुर्भूतो अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् कीर्ति वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पे पाशामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाशयाम्। किस प्रकार से सिद्धि मिले, वृद्धि मिले और इसके साथ साथ दुखों का नष्टीकरण हो, पापों का क्षय हो, इस प्रकार से और क्या क्या करें, छोटी छोटी बातें गागर में सागर, क्या करें क्या ना करें और वैदिक ज्ञान को और वैदिक धर्म का पालन करते हुए ग्रहों को अनुकूल करने की स्थितियां कैसे बने, तो जो भी ज्ञान हमारे पास है यथाशक्ति यथासंभव आपकी सेवा में हाजिर है, तत्पर है, उपस्थित है। और सबसे पहले आइए जानते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज दिनांक 30 मार्च 2018, दिन शुक्रवार, चैत्र मास शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी तिथि का मान लगा हुआ है। शुभ समय 11:12 से 12:58 दोपहर कालिक सिद्ध। राहु काल पुनः 10:38 से 12:11 दोपहर कालिक पुनः सिद्ध हुआ है। नक्षत्र आज शुक्र का नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और शुक्र का ही दिन। नक्षत्र और दिन का मान शुभता, सौम्यता और स्थिरता को दर्शाता हुआ चतुर्दशी तिथि पे निश्चित रूप से लक्ष्मी जी की उपासना और विष्णु जी की उपासना, इसको करने से स्थिरता और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति भी संभव है। आज का पंचांग दिन मान दिवस, सभी भारत समाचार के दर्शकों को इसकी बहुत बहुत बधाई। तो अब 12 राशियों की बारी है, क्या कहती है आपकी राशियां। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ आपको बने रहना है, तुलसी पूजा से कैसे आपका जीवन संवरेगा। बहरहाल 12 राशियां क्या कह रही है वो जान लेते हैं। मेष राशि से शुरू करते हैं। बौद्धिक क्षमता में आपकी बढ़ोतरी हो रही है और साथ के साथ संपत्ति की प्राप्ति भी हो रही है, तो मेष राशि वालों का प्रादुर्भाव बहुत अच्छा, स्पष्ट संकेत अच्छा दिख रहा है। आप निवेश कर सकते हैं, यदि चाहें तो शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, धन की प्राप्ति होने की संभावना प्रबल दिखती है। लेकिन करना क्या नहीं है, अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है, छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है। वृषभ राशि वाले, यात्रा प्रवास के योग हैं आपके और कानूनी मुद्दे या किसी प्रकार से कोई फंसे हुए मुद्दे हैं, उनके सुखद परिणाम आपको मिलेंगे। क्या करना है, ओम नारायणाय सुर सिंहासनाय नमः, इस मंत्र को देख लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको जप कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। लेकिन मांसाहार भोजन का बिल्कुल भी सेवन ना करें, वृषभ राशि वालों को बस इतना ही इंगित करते हैं। मिथुन राशि वालों, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और साथ के साथ भाग्य जो सुप्तावस्था में चल रहा है उसकी उन्नति का भी योग अच्छा है, तो डट गए, अच्छा कार्य करें, शुभ कार्य करें। शिव यंत्र को घर के पूजा स्थल पर आप जरूर स्थापित करें और उसका पूजन करें, मिथुन राशि वालों के लिए ये कार्य करना पंचांग इंगित करता है कि सुखद रहेगा। क्या नहीं करना है मिथुन राशि वालों को, आज सायंकाल के बाद 8 बजे के बाद आप स्नान इत्यादि नहीं करें,
ग्रहों को अनुकूल करने की दृष्टि से स्नान भोजन इत्यादि बहुत सारी बातें होती हैं जो यदा कदा पंचांग इंगित करता रहता है राशि के हिसाब से। कर्क राशि वालों, दाम्पत्यों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और संतान के संबंध में शुभ समाचार, मित्रों के बीच भी रहेंगे और संतान से संबंधित और पंचम भाव से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी, मित्रों का आनंद भी रहेगा। क्या करना है, मोती की माला धारण करें कर्क राशि, वैसे भी चंद्र का प्रभाव और उज्ज्वल करें, छोटा सा एक कार वो पहनेंगे तो आपको आज के हिसाब से अच्छा प्रमाण मिलेगा। लेकिन धैर्यशीलता यदि आपकी कम हो रही है किसी भी कारण से, तो उस धैर्यशीलता को अभी बनाए रखें, अभी बहुत जल्दी बहुत भावुक होकर बहुत कोई कार्य जल्दी में ना करें। सिंह राशि वालों, आपकी नौकरी व्यवसाय इत्यादि में तरक्की होगी और साथ के साथ आपका जो व्यक्तित्व है उसका विकास बहुत अच्छा आने वाले समय में होगा। ओम नमः शिवाय का एक रुद्राक्ष की माला ले लें और उससे जप करें, रुद्राक्ष की माला से जप का कोटि कोटि और अच्छा प्रभाव बन जाता है। सिंह राशि वाले एक चीज ध्यान रखेंगे, कोई भी मित्र हो या साथ में काम करने वाले हो उनकी निंदा आज ना करें, बस इतना ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, घाघर में सागर। कन्या राशि वालों, धार्मिक कार्यों पे आपका खर्च होगा, अच्छी बात है, स्वजनों के साथ लेकिन थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, लेकिन उन मतभेदों को मिटाने की आप स्वयं अपनी तरफ से चेष्टा करें। दुर्गा माँ के समक्ष देवी के 108 अष्टोत्तर 108 नामों का स्मरण करें, आप पाएंगे कि आपको कितना लाभ हुआ है। आज जमीन संबंधित धन निवेश किसी भी प्रकार का हो उसको रोक दे, आज ना करें, छोटी छोटी बातें। भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, तुला राशि मूल त्रिकोण राशि शुक्र की पुरस्कार भी प्राप्त होगा, आपको अच्छे योग हैं, पुरस्कार प्राप्ति के भी योग हैं, यानी आपके कार्य की सराहना भी होगी। गणपति घर के पूजा स्थल में जरूर जरूर स्थापित करें और आप पाएंगे कि ये छोटा सा एक कार्य किया कितना अधिक लाभ देता है व्यापार में। लेकिन किसी भी प्रकार की साझेदारी यदि आप कर रहे हैं तो साझेदारी से बचें, तुला राशि वालों का आज का संकेत केवल ये। वृश्चिक राशि वाले, समय अनुकूल है और आपकी सक्रियता कार्य क्षेत्र में और अन्य कार्य क्षेत्रों में भी आपकी सक्रियता बहुत बढ़ेगी, जो आपको आने वाले समय में बहुत लाभ देने वाली है। वृश्चिक राशि वालों का प्रभाव अब उज्ज्वलता की तरफ बढ़ता हुआ, लक्ष्मी जी को दही या दही से बनी हुई कोई भी खाद्य पदार्थ मीठी आप भोग लगाएं, आप पाएंगे छोटा सा किया हुआ कार्य अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन आज के दिन शुक्र का नक्षत्र, शुक्र का दिन, काले वस्त्र धारण करने से बचे, अन्यथा थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, ये एक छोटा सा इंगित करता है पंचांग, ये कार्य आप करें। धनु राशि वालों, यश में आपकी वृद्धि होगी और जीवन साथी के साथ अगर कोई भी छोटा मोटा मतभेद होगा या हुआ होगा वो दूर हो जाएगा, अच्छे संबंध रहेंगे। ओम ह्रीम घ्री सूर्यादित्याय श्रीम, इस मंत्र का अच्छे से उच्चारण करके निश्चित रूप से जाप करें, आप पाएंगे कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई है। आज किसी से कर्ज ना ले और ना कर्ज दे, कई बातें ऐसी होती हैं जिससे कुछ छोटी छोटी बातों से तनाव इत्यादि बढ़ जाता है। मकर राशि वालों, धन लाभ आपका होगा और सुखद समाचार भी आपको मिलेंगे, चाहे कार्य क्षेत्र हो या आपका व्यक्तिगत कोई मामला हो या व्यक्तिगत कोई क्षेत्र हो। मकर राशि सिंह और मकर राशि दोनों का प्रभाव अच्छा है, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प जरूर अर्पित करें तो ये आप पाएंगे कि शनिदेव की राशि और सूर्यदेव की राशियों के लिए ये आज के लिए किया हुआ प्रभाव अच्छा प्राप्त होगा। धन का व्यय मकर राशि वाले ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा व्यय ना करें, इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन व्यय करने से बचें मकर राशि वाले। कुंभ राशि, मानसिक शांति आपकी थोड़ी भंग हो सकती है, तनाव कुछ हल्का सा मिल सकता है, लेकिन मनोबल में आपके कार्यों द्वारा निरंतर वृद्धि होने का योग है, तो मध्यमता और उत्तमता दोनों ही आज के दिन कुंभ राशि वालों के लिए बता रहा है पंचांग आज का। क्या करना है, श्री सूक्त का पाठ यदि कर सकते हो जरूर करें, अन्यथा श्रवण कर लें तो आपको उतना ही लाभ होगा। कुंभ राशि वाले ये ध्यान रखेंगे, शनिदेव की मूर्ति कौन राशि है, क्या
नहीं करना है। आज कुंभ राशि वालों को आज चमड़े से बनी हुई वस्तु कोई भी किसी प्रकार की अगर खरीदनी हो तो कल पे टाल दें या परसों पे टाल दें या बाद में आज ना करें। मीन राशि वालों, परिजनों का आपके आगमन होगा और नवीन मित्रता या मित्रता से जुड़ा हुआ कोई एक नवीन आयाम आपको मिलेगा मीन राशि वालों को। शुक्र का उच्चत्व, रचनात्मक क्षेत्र में थोड़ी सी आप अपनी रुचि बढ़ाएं, क्रिएटिव होने की कोशिश करें। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मान और रात्रि मान ये इंगित करता है। मद्यपान बिल्कुल भी ना करें और ध्यान रखें, इस प्रकार से स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। तो दर्शकों, मेष से मीन पर्यंत और मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां गागर में सागर, क्या करें क्या ना करें, और अपनी राशियां तो जरूर नोट करें, अपने लिए क्या करना है वो भी ध्यान रखें, और अपने अपनों की भी राशियां उनको प्रसाद रूप में बताते रहें। छोटी छोटी बातें देखिए, मार्गदर्शन करेंगे, कितना आनंद जीवन में होगा सबका जीवन। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ आगे बढ़ें। तो बिल्कुल, और अब आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय ये है कि तुलसी पूजन से कैसे आपका जीवन संवरने वाला है। तुलसी जी का बड़ा महत्व है। तुलसी जी विष्णु प्रिया है, विष्णु प्रिया, विष्णु यानी जो स्थिति कर रहे हैं, जो स्थिति यानी कि जो लालन पालन कर रहे हैं। कार्तिक मास तो इतना जरूरी होता है कि तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप अपने मन की बात कहीं किसी से कह नहीं पा रहे हैं तो भगवान को सीधे आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी भावनाएं उन तक पहुंचा सकते हैं तुलसी जी के माध्यम से। सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा लेकिन इसका कुछ इस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना आप करते हैं तो तुलसी का बहुत अधिक और महत्व हो जाता है। विष्णु जी और महाविष्णु जी, ऐसे तो शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन आया है। आप तुलसी का पौधा अगर देखें महाविष्णु को प्रसन्न करने के लिए, बृहस्पतिवार को लगाइए और घर में आंगन में इसके बीच में, हमारे वैदिक परंपरा के हिसाब से आंगन में घरों में होता है, लेकिन अगर नहीं है तो उसको लगाना बहुत अच्छा रहेगा। संध्या काल को तुलसी जी के पौधे के नीचे अगर घी का दीपक लगाते हैं तो भी उत्तमता रहता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप देख रहे होंगे लिखा भी आ रहा है, संतान से संबंधित यदि कोई कष्ट है तो तुलसी जी का निश्चित रूप से करिए पाठ, और तुलसी नामाष्टक ये जरूर इसका पाठ करना बहुत जरूरी है। नौकरी यदि नहीं मिल रही है तो श्यामा तुलसी, एक रामा तुलसी, श्यामा तुलसी सभी जानते हैं, काले रंग से कह लीजिए या थोड़ा सा उसको करिएगा तो आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे कह सकते हैं हम लोग, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विज्ञान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोक एकनाथम। जो सबका भव भय हरते हैं और माध्यम उन तक पहुंचने का बहुत प्रकार से हो सकता है। क्यों? क्योंकि सृष्टा तक पहुंचना सृष्टि के माध्यम से ही संभव होता है, यानी सृष्टि के बनाई हुई और कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं होती हैं, पौधे होते हैं, कुछ ऐसी विशेष क्रियाएं होती हैं जिनसे आप सीधे अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाने में भी सक्षम हो सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है कि जहाँ पे भी तुलसी जी के पौधे होते हैं वहाँ पे आसपास का वातावरण वायु प्रदूषण और अन्य प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं, कीटाणु होते हैं या किसी अन्य प्रकार से कोई कलुषिता रहती है तो वो दूर हो जाती है, धनात्मकता बहुत बढ़ जाती है ये देखा गया है, यानी ऋणात्मकता। कई बार ऐसा देखा गया है कि वास्तु से संबंधित कुछ इस प्रकार के दोष हो जाते हैं जो जिनके लिए तोड़फोड़ इत्यादि करना आवश्यक हो जाता है, तो उनसे भी बचा जा सकता है मात्र तुलसी जी के पौधे को अगर अपने घर में स्थान पर लगाते हैं और ईशान कोण में अगर जगह देते हैं तो आप पाएंगे कि काफ़ी ऋणात्मकता दूर हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत एकदम से बहुत कुछ ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इस प्रैक्टिस को लाते हैं अपने व्यवहार में, विचार में, और अपने घर पे स्थान देते हैं या अपने कार्यालय इत्यादि पे स्थान देते हैं तो आप पाएंगे कि ऋणात्मकता निश्चित रूप से दूर हुई है। तुलसी जी का प्रभाव, एक बात जरूर ध्यान रखना होता है कि परिक्रमा, ये भी पहले एक प्रकार से घर के हर आंगन में तुलसी जी हुआ करती थी और उसमें संध्या को दीपक लगाने की प्रथा भी थी, आज वो थोड़ी लुप्त होती जा रही है, इसीलिए थोड़े थोड़े तनाव भी बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि अगर आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे और आप इसको स्थान देंगे तो आप
चमत्कारिक रूप से कुछ समय तो नहीं पता चलेगा, कुछ समय के बाद एकदम से चमत्कारिक रूप से आपको लगेगा कि अरे जो तनाव होता था वो काफ़ी, तुलसी जी की परिक्रमा करने से। एक चीज़ और भी है, तनाव के साथ सरदर्द इत्यादि हो या किसी अन्य प्रकार का कोई इस प्रकार के विषाणुजन्य कष्ट हो तो विषाणुजन्य कष्ट भी दूर होते हैं साथ के साथ। जब आप तुलसी जी लगाएंगे तो शालिग्राम की पूजा का भी महत्व होता है और उनको तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। और वो अर्पित करने से भी आप पाएंगे कि कुछ प्रकार की बाधा, अब जैसे तुलसी विवाह का भी एक प्रकरण आता है, तुलसी जी का विवाह तुलसी जी का। और दूसरी बात, इसके साथ ये भी देखा गया है कि जब भी कभी आप ये करें तो मन की शुद्धि तो आपकी बढ़ेगी ही, तन की शुद्धि भी आपकी बढ़ेगी। तो एक चीज़ छोटी सी करने से, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उसको फॉलो करिए और देखिए जीवन में क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से लाभ होता है। और हमारे साथ पहले भाग्यशाली कॉलर पवन जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। पवन, आपका प्रश्न क्या है? मेरी तबीयत गड़बड़ रहता है जी, पंडित जी, पैरों में सोजन आ जाता है, बैठने से काम करने की इच्छा नहीं रहती। उम्र साठ हो गया। जानना क्या चाहते हैं पवन? मेरी तबीयत गड़बड़ रहती है, तबीयत के बारे में जानना चाहता हूँ। तबीयत गड़बड़ रहती है जी, जिस प्रकार से आपका प्रभाव है, तो कन्या के ऊपर जब राहु का प्रभाव था, अब है कर्क पे, यानी 18 दुना 36 महीना तो लगभग हो चुका है 3 साल के आसपास। थोड़ा थोड़ा नम रहता है, नम स्वभाव। अब जब ये देखिएगा कि 8 महीने के बाद से जब प्रभाव बदलेगा, जब ग्रहों का प्रभाव बदलेगा, तो इसका भी आपको प्रभाव मिलेगा। राहु पिंडलियों में आपके दर्द होता है, घुटने के नीचे और पंजों में होता है, तो इसका प्रभाव आप निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि राहु का प्रभाव है। चिड़ियों को जौ ये जरूर खिलाया करिए, पानी और जल की व्यवस्था भी करिए चिड़ियों के लिए। और दूसरी बात ये है कि गौमेध जिसको बोलते हैं, ये अपनी मिडिल फिंगर में 7 रत्ती से ऊपर का जरूर पहनिए। और एक बात और भी है, चूँकि आपका वजन 65 किलो से आसपास और उसके ज़्यादा का है, तो 7.25 रत्ती का आप पहन लीजिएगा। ये निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा और शुद्धि खाने पीने की जरूर रखिएगा। ये कुछ नियम कानून होते हैं, ये करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसमें आगे लाभ हो जाएगा, शेष फिर कभी। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बलविंदर हमारे साथ जुड़े हैं। बलविंदर, आप क्या जानना चाहते हैं, आपका प्रश्न क्या है? आचार्य जी, राधे राधे। राधे राधे, प्रसन्न रहिए, आनंद करिए। आचार्य जी, ना मेरा जो बिजनेस के बारे में ही जो है काम मेरे नहीं चल रहे हैं और पैसे वैसे के मामले में हर वक्त किल्लत बनी रहती है। ये पैसे का हाथ कब तक मेरा खुलेगा ताकि मैं अपना कारोबार को ढंग से चला पाऊँ? देखिए, एक चीज जरूर ध्यान रखिए, गुरु और चंद्र का शुभ प्रभाव है। जब आपके साथ गुरु और चंद्र का शुभ प्रभाव है तो धन से संबंधित आप जो चिंता कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, धन तो आपके पास बहुत है और बहुत आने वाला भी है, ये निश्चित रूप से मान के चलिएगा। लेकिन गुरु और चंद्र का कभी कभी प्रभाव गोचर में होता हुआ कुछ अप्रसन्नता दे देता है जहाँ तक धन का प्रभाव होता है। आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि 21 अप्रैल के बाद से आप एक तो तुलसी पूजन जरूर शुरू कर दीजिएगा, एक बात। दूसरी बात, आप एक कार्य जरूर कर लीजिएगा कि एक आप लाजवर्त नाम का पत्थर जरूर पहन लीजिएगा मिडिल फिंगर में, लेकिन ये पहनना है आपको 4 महीने 5 दिन तक, उसके बाद आप इसको उतार दीजिएगा। मार्गदर्शन लेने के लिए कुछ आपको इस प्रकार से चलना पड़ेगा कि अभी अगले 8 महीने आपको ज्योतिषीय मार्गदर्शन लेते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार आपने मार्गदर्शन लिया और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलने में ही समझदारी होती है। अग्रिम मार्गदर्शन के लिए हम फिर कभी आप हमसे संपर्क करिएगा, आपको मार्गदर्शित करेंगे। और भिलाई से पिंकी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पिंकी, आपका क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो पंडित जी, मुझे ना अपने मतलब संतान के बारे में पूछना था, मेरी शादी को 1 साल हो गई है। संतान का प्रश्न इस समय चूंकि पूछा है और चंद्र का प्रभाव साफ दिख रहा है उस पे, चंद्र का दुष्प्रभाव जब हो जाता है तो निश्चित रूप से पखवारे, यानी कि 15 दिन तो उसके लिए बहुत उज्ज्वलता रहती है और 15 दिन में आपका स्वयं ही मन नहीं करता है किसी कार्य के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान करने के लिए चंद्र को बलि करिए, प्रदोष से संबंधित व्रत इत्यादि जरूर रखिए। और ये चंद्र का आपका आने वाले 5वें महीने के बाद से
जब छठा महीना लगेगा आने वाले अभी से, तब संतान से संबंधित कष्टों को दूर होने का समय तब शुरू होगा। उस समय ध्यान रखिएगा, हो सकता हो संपर्क ना हो पाए, उस समय ध्यान रखिएगा अब से छठे महीने के बाद लहसुनिया नामक एक पत्थर जरूर कुछ दिन के लिए कनिष्ठा उंगली में पहन लीजिएगा। ये दोनों बातें आपके लिए सूटेबल रहेंगी शेष फिर कभी। और अगली कॉलर ममता हमारे साथ जुड़ी है दिल्ली से। ममता आपका क्या प्रश्न है पूछिए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, प्रसन्न रहिए, आशीर्वाद। गुरु जी मेरा बेटा है सिद्धार्थ, वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, मैं चाहती हूँ कि वो अब मेरे भाई के पास दिल्ली पढ़ने चला जाए, तो क्या वहाँ पे उसका एडमिशन हो पाएगा, या वहाँ वो उसकी पढ़ाई ठीक रहेगी, या मैं उसे अपने पास ही रखूँ। देखिए आपको सबसे अच्छा और उचित जो इस समय आपका जो प्रश्न है उसमें चूंकि चतुर्थ भाव पे चर राशि है, और जब चर राशि होती है तो इसका मतलब आपको उच्च शिक्षा या शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं भेज देना ही बेहतर रहेगा। जब वो वहाँ जाएगा तो वहाँ उसके और आगे के भी रास्ते खुलेंगे। आपके पास अभी 4 महीने से 6 महीने का समय है, आप सोच विचार करके आप निश्चित रूप से उसके वहाँ पर भेज दीजिए। और रही बात एडमिशन की, तो एडमिशन होने की संभावना तो दिख रही है 73% से अच्छा, यानी कि आ गया है कुंडली में योग, तो एडमिशन तो हो जाएगा। साथ के साथ एक ध्यान रखिएगा, मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए 9 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष बच्चे को पहनाना भूलिएगा नहीं, जब भी कभी उसको शिक्षा के लिए आगे भेजे। और अगली कॉलर हमारे साथ अल्पना जुड़ी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। अल्पना आपका क्या प्रश्न है। मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल पूछिए प्रश्न। हाँ, बेटी का उसकी जन्म तिथि 6 मार्च 1984, हाँ अपनी बेटी के विवाह के लिए है, वो 6 मार्च 1984 है, 9 बजे सुबह। 6 मार्च 1984, हाँ 9 बजे सुबह जी। जी प्रश्न आपका उत्तम है, और निश्चित रूप से थोड़ा सा ये जरूर है कि विलंब का कारक भी बन जाता है, और जब तुला पे प्रभाव हो, शनि देव के उच्चत्व का प्रभाव हो, और शनि देव के उच्चत्व के साथ मंगल का प्रभाव हो, तो ऐसा जोड़ तो बन जाता है, लेकिन 2 से 3 बार प्रयास करने पड़ते हैं ऐसे काम में, थोड़ी सी बाधा आ जाती है, यानी कि विवाह से संबंधित बहुत सोच समझ के। और दूसरी बात, कुंडली का मिलान अवश्य कराइएगा, मंगल का इत्यादि का ये दिखा के जरूर कराइएगा, और गुरुवार का व्रत रखना इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा जहाँ तक विवाह का संबंध है। और दूसरी बात ये है कि एक पुष्य नक्षत्र में इनके पुनर्वसु या पुष्य 2 नक्षत्र याद रखिएगा, कनिष्ठा उंगली में इनको एक मोती जरूर गाय के दूध से धो के सिद्ध करके पहनवा दीजिएगा, ये इनको थोड़ा सा लाभ देगा, आगे इनके काफ़ी काम बनेंगे। फिर भी यदि कोई त्रुटि रह जाती है, अग्रिम मार्गदर्शन के लिए पुनः संपर्क करिए। और अगली कॉलर देवनगरी हरिद्वार से दीपा हमारे साथ जुड़ी है। दीपा आपका क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहती हैं आप। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, प्रसन्न रहिए। पंडित जी मैं अपने भांजे के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 2000, और समय है 5:20 और जन्म स्थान देहरादून। वो पढ़ाई में बहुत चंचल है, ढाई से छठे महीने के बीच में, यानी अभी के डेट से 2.5 महीने जोड़ लीजिए, उसके बाद से छठा महीना, यानी कि 2.5 के बाद 2.5 और 1 साढ़े 3 महीना, आने वाले 2.5 महीने के बाद के 3.5 महीना थोड़ा सा इस बच्चे के ऊपर प्रेशर आप कम डालिएगा। वो इसलिए क्योंकि इसका प्रभाव इस प्रकार से है कि हो सकता हो इसका मानसिक जो एक तनाव है वो कुछ बढ़ सकता है, उसको कम करने के लिए, मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए आपके लिए जो बताया जा रहा है उसमें 1 मुखी और 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहना दीजिएगा इसको लाल धागे में, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इसका जप बहुत इत्यादि बहुत अच्छे प्रकार से जरूर कर दीजिएगा। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ग्रहों को अनुकूल करने की दृष्टि से ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद का जो समय आएगा इसमें अपने आप वो आगे बढ़ जाएगा शिक्षा के क्षेत्र। तो बहुत सारे कॉलर्स ऐसे भी रहे हैं आचार्य जी जो आपसे बात करना चाहते थे लेकिन बात हो नहीं पाई है, उनके लिए हम कुंडली कैसे संपर्क करें, अपनी कुंडली कैसे भेजें, या कोई समस्या है तो आचार्य जी को सीधे मेल कर सकते हैं bsnakshatra@gmail.com, यह आचार्य जी की मेल आईडी है, या फिर आप सीधे फ़ोन कर लीजिए, जो भी समस्या है सीधे पूछिए, ये आचार्य जी का
फोन नंबर है, सीधे बात कीजिए। और कल का जो विषय है आचार्य जी, अक्सर मेरे मन में रहता सनी को काटने का कि कैसे रोका जाए, लेकिन कल का विषय जो है सनी कल्याणकारी कैसे करें आपके जीवन को, वो बताएंगे कल। तो 8:25 पर नक्षत्र जोग देखिए। बहुत धन्यवाद।